गूगल प्ले सर्विसेज कीप्स स्टॉपिंग। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने अपने स्मार्टफोन की मेन सेटिंग्स को ओपन करना है। इसके बाद यहां से ढूंढ लेना है ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स को और ओपन कर लेना है। यहां ऐप मैनेजमेंट में ऐप लिस्ट या फिर हो सकता है आपके स्मार्टफोन में ऑल ऐप्स या इंस्टॉल्ड ऐप्स लिखा हो, उसे आपने ओपन करना है। मेरे स्मार्टफोन में ऐप लिस्ट लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे ही ओपन करूंगा। ऐप लिस्ट ओपन होते ही तमाम इंस्टॉल्ड ऐप सामने आ जाएंगी। यहां से गूगल प्ले सर्विसेज को ढूंढ लेना है। अगर यहां पर गूगल प्ले सर्विसेज नहीं मिलती तो फिर यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पे दो डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करना है और शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही सिस्टम की तमाम इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब यहां से गूगल प्ले सर्विसेज को ढूंढ के इस पे क्लिक करके सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहां से स्टोरेज यूजेज में जाना है। यहां मैनेज स्पेस पे क्लिक करना है और सबसे नीचे क्लियर ऑल डाटा लिखा है, इस पे क्लिक करके तमाम डाटा को डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और फोर स्टॉप पे 5-6 मरतबा टैप करके गूगल प्ले सर्विसेज को स्टॉप कर देना है। गूगल प्ले सर्विसेज स्टॉप होने के बाद ऑटोमेटिकली रन होंगी, जिसकी वजह से स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। स्लो स्मार्टफोन को फिक्स करने के लिए स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार स्मार्टफोन को रिस्टार्ट करने के बाद गूगल प्ले सर्विसेज बिल्कुल नॉर्मली वर्क करना शुरू हो जाएंगी, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपने जल्दी से प्ले स्टोर को ओपन करके गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं सबको अपडेट कर लेना है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो फिर आपने क्या करना है, सीधा जाना है गूगल क्रोम में और सर्च बार में टाइप करना है गूगल प्ले सर्विसेज APK प्योर और इसको सर्च कर लेना है। सबसे टॉप पे APK प्योर की जो वेबसाइट आ रही है इसे ओपन करना है और गूगल प्ले सर्विसेज का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले सर्विसेज का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।